ऐसा था कि बॉडी के पूरे बदन पे इंजर्ड था, उनके दाढ़ी पे यहाँ पे 1 से 1.5 इंच का खड्डा था, 2-3 दांत टूटे हुए थे, आँख नाक से मुंह से सब जगह से ब्लीडिंग था, एक हाथ उनका ऑलरेडी मुड़ा हुआ था। कई लोगों को हमेशा ही डाउट होता था कि दिशा सालियान को कितनी चोटें लगी हुई थी, कहाँ कहाँ पर लगी हुई थी, और क्या सचमुच में लगी हुई थी या सिर्फ इधर उधर की बातें ही करी जा रही है। तो अभी मैंने आप सभी लोगों को उस बात का पक्का सबूत दिखा भी दिया और खुद चश्मदीद रहे दिशा सालियान के एम्बुलेंस ड्राइवर के मुंह से अभी आप सभी लोगों को सुना भी दिया। अब आशा करता हूं कि इस बात पर डिबेट पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी कि 8 जून की रात को दिशा सालियान को उसी के फ्लैट की 14वीं मंजिल से नीचे फेंका गया था या नहीं फेंका गया था, क्योंकि जितने बुरे तरीके से भाई साहब उस लड़की का शव बरामद करा गया था उसके बाद इस मैटर पर किसी एक शख्स को भी शक तो होना ही नहीं चाहिए। अब उसी के बाद इस केस के अंदर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट अभी ये निकल कर सामने आ रही है कि दिशा सालियान के फादर आज 3 सालों के बाद अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर के साथ उन्होंने कॉल पर खूब सारी बातें भी करी हैं। और उस फोन कॉल में भाई साहब कैसे कैसे उन्होंने इल्जाम लगाए हैं और क्या क्या उन्होंने बातें बोली हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सबसे पहले तो उसे ही सुन लीजिए। सीनियर लेवल का कर रहा है ना, वो लोग बोलते हैं सुसाइड ही नहीं है, 100% मर्डर है, ऐसा बोलते हैं, सुसाइड है ही नहीं बोलते हैं। मेरा जानकारी में मैं जब इंक्वायरी किया जब मेरे को सब जगह से सुसाइड ही बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट बोला, सुसाइड नहीं बोला, एक्सीडेंट बोला आपको। हाँ वो बोलते हैं ना टावर लोकेशन है, सब है, प्रूफ है, 100% प्रूफ है, तो कीजिए ना आप, आपको जो करने का तो कीजिए, अगर उन लोगों ने कुछ गलत किया रहेगा तो सजा होना चाहिए ना। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा और सुना, वो परिवार जिनको अपनी बेटी के मौत के बाद बड़े बुरे तरीके से डराया धमकाया गया था, बिल्कुल चुपचाप रहने को कह दिया गया था, आज आप सभी लोगों के निरंतर प्रयासों के बाद आज उन लोगों में भी कहीं ना कहीं हिम्मत आई है और खुल करके दिशा सालियान के फादर आज की डेट में मीडिया वालों से बात भी कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा बताया है कि मुंबई पुलिस वालों ने कैसा खेल खेला था, कैसे एक हत्या के मामले को पूरी बेशर्मी के साथ अपनी चोरपोट बुद्धि लगाकर एक्सीडेंट का मामला बता दिया गया। एक्सीडेंट, अच्छा वो भी तब जब दिशा सालियान के घर पार्टी चल रही थी, जब उस पार्टी में दिशा सालियान के ढेरों दोस्त आए हुए थे, उसी पार्टी में जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए हुए थे, कुछ फ्लॉप एक्टर्स आए हुए थे जिनकी मोबाइल टावर लोकेशंस दिशा सालियान के फ्लैट पर 3-3.5 घंटों तक रिकॉर्ड करी गई थी। ना तो दिशा सालियान के पेट में शराब पाई गई थी, ना तो किसी प्रकार का कोई ड्रग्स ही पाया गया था, तब ऐसा कैसे हो गया भाई साहब कि वो लड़की बिना किसी नशे के अपने पूरे होशो हवास में अपने ही घर की बालकोनी से नीचे गिर गई, वो भी गलती से। अरे बेशर्मो, शर्म तो तुम लोगों को आई नहीं होगी है, हत्या के मामले को एक्सीडेंट बता दिया, तब अगर ऐसा था ही तो तुम लोगों को सुशांत के केस को भी तो एक्सीडेंट ही बताना चाहिए था ना, खामखा इसे आत्महत्या बताकर पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए, बड़े बुरे तरीके से फंस गए। अब तक तो लोग सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के ही इंसिडेंट पर ताल ठोक कर बातें कर रहे थे, पर अब चूंकि दिशा सालियान के फादर भी इस पूरे केस में कूद पड़े हैं और अपनी बेटी के लिए कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं, सभी आरोपियों को सजा देने की बात कर रहे हैं, अब ये सारे आरोपी भाई साहब किस कोने में जाकर अपना मुंह छिपाएंगे, और अगर एक बार जांच बैठ गई तो जितने सबूत है, सच बता रहा हूं भाई साहब, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी का बड़े बुरे तरीके से डंडा हो जाएगा। अब जहां तक बात है कि 8 जून की रात दिशा सालियान के साथ असल में क्या हुआ था और किसने क्या करा था, उसको लेकर मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें फैक्ट्स के साथ, एविडेंसेस के साथ आपके सामने रखी थी, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सबसे पहले तो उसको भी सुनिए। दिशा सालियान के साथ रेप होने के बाद उसको देखा था। 8 जून की रात को दिशा सालियान के घर पर बताया जाता है कि एक पार्टी रखी गई थी, दिशा सालियान के ढेरों दोस्तों को भी वहां पर इनवाइट करा गया था और मोबाइल टावर लोकेशंस के मुताबिक आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और डीनो मोरिया भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके ही बाद दिशा सालियान द्वारा अपने मोबाइल फोन के जरिए 100 नंबर पर कॉल करा जाता है। जी हाँ भाई साहब, ये मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि ये बात दिशा सालियान की सीडीआर रिपोर्ट्स, बोले तो कॉल डिटेल रिपोर्ट्स बता रही है, और ये खुलासा किसी और के द्वारा नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने करा है, जिसको ही लेकर ऑफिशियल न्यूज ये आप सभी लोग साइट पर देख सकते हैं। इस बात को पूरे तरीके से दबा दिया गया था कि दिशा सालियान ने अपने मौत वाले दिन बल्कि उसी रात को ठीक मरने से पहले पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करने की कोशिश करी थी, और ये बात किसी और के द्वारा नहीं दबाई गई भाई साहब,
बल्कि इस बात को दबाने के पीछे मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये इतनी बड़ी बात दबाने की वजह आखिर हो क्या सकती है, ये तो आप लोग भी खुद ही समझदार हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई शख्स जिसको अगर इतना बड़ा कदम उठाना ही होगा तो वो उस कदम को उठाने से पहले 100 नंबर पर कॉल करेगा ही। क्यों? क्योंकि 100 नंबर पर कॉल तो तभी किया जाता है ना भाई साहब, जब आप किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हो या आपके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा हो और आप खुद चलकर पुलिस स्टेशन जाने के योग्य ना बचे हो। ऐसे में ही तो हर आम शख्स पुलिस प्रशासन को कॉल करता है और उनको अपने एड्रेस पर बुलाता है, और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश दिशा सालियान ने भी करी थी। 8 जून की रात को बिन बुलाए मेहमान की तरह जो 3 लोग, कौन कौन, तो जी सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया वहां पर पहुंच जाते हैं, जिनके मोबाइल टावर लोकेशंस की माने तो ये तीनों लोग दिशा सालियान के फ्लैट पर 3 से 3.5 घंटे तक ठहरे हुए थे, और उनके आने से पहले जो ढेरों अन्य मोबाइल टावर लोकेशंस वहां पर दिखा रहे थे, इन तीनों की एंट्री के बाद वो सारे मोबाइल फोन्स या कहें दिशा सालियान के सो कॉल्ड फ्रेंड्स सीधा ही भाई साहब वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। और उसके बाद दिशा सालियान के फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ यही 4 लोग बाकी रह जाते हैं, एक दिशा सालियान और बाकी ये 3 लोग। अब भाई साहब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को बताया कि आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया सूरज पंचोली के कहने पर दिशा सालियान के फ्लैट में जाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिया खान की हत्या के बाद ये सूरज पंचोली भाई साहब दिशा सालियान को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर चूंकि दिशा सालियान इस सूरज पंचोली के खूनी पास्ट के बारे में जान चुकी थी तो उसने इससे दूरियां बनानी शुरू कर दी, और इसी बात का बदला लेने के लिए ये सूरज पंचोली आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया को साथ में लेकर जोर जबरदस्ती दिशा सालियान के फ्लैट में घुस जाता है, जिसके बाद तो फिर गैंगरेप और हत्या की बातें ये तो आप सभी लोग भी लगातार सुनते हुए आ रहे हैं। और बेशर्मी की हद तो ये है कि इन सभी चीजों के विटनेस रहे दिशा सालियान के दोस्त, नमक हराम दोस्त, तब भी चुप थे और आज भी चुपी हैं। और उससे भी बड़े बेशरम तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शरेआम दिशा सालियान को पहचानने तक से इनकार कर दिया। पहले ये सारे प्रूफ का आप जवाब दो, आपका ही मिनिस्टर कह रहा है, आपका ही एमएलए कह रहा है, ये ऑन वीडियो कह रहा है, और कई चीजें हमने भी वेरीफाई की है अधिकारियों से, ये प्राइमा वैसे सबूत है, आप इसमें एक्शन क्यों नहीं लिए, ये आप जवाब। हाँ तो भाई साहब, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में अभी मुंबई पुलिस बड़े बुरे तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। इन दोनों ही केसेस के अंदर जो इतना बड़ा गोलमाल करा गया था उसके काले चिट्ठे अब खुलने शुरू हो चुके हैं। इन दोनों ही केसेस को लेकर वो जो तेल लगा हुआ बंबू है ना भाई साहब, वो अब किसी को भी बख्शता नजर नहीं आ रहा है। फिर वो चाहे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2-2 हत्याओं को आत्महत्या बता दिया, 2 अलग अलग लोगों की पीएम रिपोर्ट्स के अंदर छेड़छाड़ कर दी, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मुंबई पुलिस के साथ सांठगांठ करके ये जो घिनौना गंदा खेल खेला था ना, उसके बाद ये सारे के सारे अभी बड़े बुरे तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की उस वक्त के गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस आदित्य ठाकरे जैसे, इनकी तो भाई साहब अभी बड़े बुरे तरीके से खटिया खड़ी हो चुकी है। अभी सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन रहे हैं कि इन दोनों ही हत्याओं के मास्टरमाइंड के रूप में आदित्य ठाकरे को ही घेरा जा रहा है। इनको ही सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस के अंदर मेन आरोपी समझा जा रहा है। अभी इनके ही साथ के डीनो मोरिया और सूरज पंचोली को पकड़ने के लिए भी बहुत बड़ी तैयारियां करी जा रही है, क्योंकि ये दोनों जो है इनका बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ पहले का ही कुछ झगड़ा था, और खास करके सूरज पंचोली का था, क्योंकि खबरें यहां तक सुनने को आई थी कि जिया खान के बाद ये सूरज पंचोली दिशा सालियान को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, और दिशा सालियान चूंकि सूरज पंचोली का खूनी पास बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी, तो ऐसे में कोई भी लड़की इसके जैसे खूनी के साथ आखिर रहना ही क्यों चाहे। सूरज पंचोली जो कि अपने इरादों को लेकर दिशा सालियान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, और दिशा जो कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी, उनके काम को मैनेज करती थी, तो ऐसे में उसने ये सारी बातें सुशांत को बताई, जिसके बाद ये खबर सुनने को आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली के बीच एक बॉलीवुड की पार्टी के अंदर हाथापाई भी हुई है। फिर उसके ही बाद 8 जून की रात को दिशा सालियान के साथ जब दुष्कर्म करके उसको 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था, तो यह आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का इस पूरी घटना के ऊपर रिएक्शन भी आया था, जिससे ये चीज पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि ये दोनों ही लोग एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। अब इन दोनों ही केसेस में भाई साहब इतना सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी कैसे मुंबई पुलिस ने इसको आत्महत्या का केस बना दिया, ये मेरे तो समझ के बिल्कुल बाहर की बातें हैं, जिसको ही लेकर अभी बवाल हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कल्प्रिट्स की पोल पट्टी खुलनी शुरू हो चुकी है। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, आदित्य ठाकरे जैसे पॉलिटिशियंस,
डीनो मोरिया और सूरज पंचोली जैसे फ्लॉप एक्टर के ऊपर सीबीआई के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की मांग हर बीतते दिन के साथ तेज होनी शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ इन सभी लोगों के ऊपर जो शक की तलवार लटक रही है उसी को देखते हुए एवरी सिंगल डे एक नई पीआईएल इन सभी लोगों के खिलाफ कोर्ट के अंदर दायर करी जा रही है।